नर्सिंग घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भाजपा निर्दोष बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरे मामले में मंत्री को दोषी ठहरा रही है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में आया था। उसमें मैंने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा था कि 15 दिसंबर 2022 को पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया था। उस पत्र के चौथे बिंदु पर जिन नर्सिंग कॉलेजों को वर्ष 2019, 20, 21 और 22 में मान्यता दी गई है, उनके संबंध में उल्लेख है। बिल्कुल बिल्कुल निराधार है। देखिए, सीधी बात है, 2018 में शायद लगभग 200-300 नर्सिंग कॉलेज थे, मैं अनुमान से बता रहा हूँ आपको। 2019-20 और जिस सूची के बारे में विश्वास सारंग जी बात कर रहे हैं, उसमें लगभग 348 या कुछ कॉलेज हैं। सिर्फ वृद्धि 323, वृद्धि मात्र 40 से 80 कॉलेजों की है, और वो सूची है कॉलेजों की। अब वो मतलब एक जो हम कहते हैं यूनिवर्सल सूची है, जो भी कॉलेज जिनके नाम है सबकी सूची है। लेकिन विश्वास सारंग जी ये बात नहीं कहते कि 2021 मई में जो यही सूची उनके कार्यकाल की है, उसमें 448 से वही आंकड़ा पहुंच जाता है 657 पर। मतलब विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में वो भी वो कार्यकाल वो समय जो रहता है कोरोना काल, मतलब मार्च 2020 से लेके मई 2021 के बीच में, जब पूरा देश कहीं ना कहीं और पूरा प्रदेश भी कोरोना की आपदा से परेशान था, उसी समय ये माननीय उस समय के हमारे मंत्री आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। अकेले उनके उस एक साल में 50 या 60 नहीं, 100 नहीं, 220 कॉलेज और नए आ जाते हैं, तो उस पर भी तो उनको बात करनी चाहिए। वो हमारे कार्यकाल की 40 80 कॉलेज की बात कर रहे हैं, उल्टा उनके कार्यकाल में 200 और कॉलेज आ रहे हैं, उसके बारे में क्या। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।